सब गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई यार इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं अबाउट द महिंद्रा थार 4x2। एंड ये जो गाड़ी है भाई ये आपका 23 का मॉडल है एंड रिफ्रेश्ड है भाई। रिफ्रेश कैसे है ना, आपका यहाँ पे लोगो चेंज हो चुका है। लोगो चेंज क्या हो चुका है भाई, 4x4 आता नहीं था, खाली आती थी बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव की ब्रांडिंग देखने को मिलती है RWD। इट मींस भाई आपकी ये गाड़ी 4x2 है एंड तकरीबन आपकी भाई 11.5 लाख रुपए की एक शोरूम पड़ रही है। मान के चलो 14-30 करीब की ऑन रोड जाएगी। एंड जो लोडिंग लग रही है इस गाड़ी के अंदर, ये लग रहा है आपका इसके अंदर बीडिंग वगैरह पूरी लगी हुई है। यहाँ पे आपके आर्चेस पे लगा हुआ है जो आपका ए पिलर है, यहाँ पे आपके एप्लिक्स लगे हुए हैं, व्हील आर्च क्लैडिंग लगी हुई है, कैमरा लगेगा, पूरी बीडिंग आ गई आपकी। इन सब चीज़ों की अलग से कॉस्टिंग है। तकरीबन इस गाड़ी में आपकी 60-70 हज़ार रुपये की लोडिंग मेरे हिसाब से होगी। डिलीवरी के टाइम आप लोग लाइक चेक कर सकते हो मतलब कितने की क्या चीज़ है, बिकॉज 4x2 मिलना बहुत मुश्किल काम है। वाइट कलर में गाड़ी लाइक सज रही है पूरी, मतलब जच रही है ना। इसका जो लुक निकल के आ रहा है काफ़ी खूबसूरत लग रही है, बढ़िया लग रही है, देखने कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो लोडिंग जो लग रही है ब्लैक कलर की, उससे एक हाईलाइट आ रहा है डोर पर जो आपकी स्टिकरिंग हो रखी है, ये एक नंबर लुक। तो यार पूरी बात करता हूँ, क्या चीज़ मिलती है, कैसा मिलती है, क्या हिसाब किताब है। थार की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने में मिलती है। फ्रंट के अंदर भी आपका ये जो क्रोम लगा हुआ है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, क्रोम लगा हुआ है। एंड आपका यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ है ना, सही लग रहा है भाई, लुक बहुत शानदार है। 6 स्लैट है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीच में 2 क्रोम आपका एक्सेसरी है। हेडलैम्प्स की बात करता हूँ तो भाई इसका हैलोजन सेटअप देखने को मिलता है आपको, हाई बीम लो बीम दोनों यही है। एंड चाबी की एक बार बात करें तो चाबी से इससे होती है लॉक, दोबारा लॉक करते हो ऑन हो जाती है, दोबारा लॉक करते हो लाइक बंद हो जाती है, ठीक है। तो चाबी से पूरा प्रॉपर काम करती है, फंक्शनिंग इज़ गुड। हाई बीम लो बीम यही देखने को मिलता है। एंड फॉग लैंप्स की बात करते हैं तो फॉग लैंप्स आपको नीचे देखने को मिल जाता है, ये भी आपका हैलोजन सेटअप है। DRL इंडिकेटर के ऊपर आती है, इंडिकेटर आपका ये रहा, सिंपल हैलोजन बल्ब, ये भी एक पार्ट है एक्सेसरी का ऊपर से जो चिपकाया हुआ है, नंबर प्लेट इसके ऊपर लगेगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब सीन क्या है भाई, इस गाड़ी के अंदर आपका 1500cc का D117 डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो इंजन आपको तकरीबन भाई मान के चलोगे ना, पावर की बात करूं अगर मैं आपको, वो जो गाड़ी पावर देती है भाई इट्स समथिंग अराउंड 117 PS की पावर देती है, 300 न्यूटन मीटर्स का ये गाड़ी आपको टॉर्क ऑफर करती है। एंड अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी मैं बोलूँगा भाई। देखो 4x4 की नीड हर बंदे को नहीं होती है, उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो 4x2 थार अगर आपको मिले आँख बंद करके ले लो, बिकॉज थार की केपेबिलिटी, ग्राउंड क्लियरेंस एंड एक जो उसकी प्रोफाइल है रोड पर अलग लगती है, खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है गाड़ी। एक बार मैं भाई हुड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। हुड को खोलना है आपके क्लैंप, यहाँ से खोलते हो पहले, दूसरा क्लैंप खोलना है तो यहाँ से खोलते हो, दोनों क्लैंप ओपन हो गए। अब क्या सीन है भाई, इधर आते हो आप एंड इधर से डोर को खोलो एक बार, गाड़ी अभी आपकी लॉक्ड है भाई। गाड़ी का एक बार हुड को ओपन करोगे तो यहाँ पे आओ एंड लीवर को खींचते हो तो आपका हुड ओपन होता है, इंडिकेटर आपके ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप, सेफ्टी फीचर है महिंद्रा का जो उसको महिंद्रा कहता है। एंड यहाँ पे हाथ लगाओ एंड लाइक ऐसे करके भाई हुड को उठाते हो आप, काफ़ी ज़्यादा वजन देखने को मिलता है, डैम्पिंग नहीं मिलती है। ये आपका 1500cc का डीजल इंजन है, तकरीबन भाई आप जो 4x4 थार लेते हो उसमें आपको 4x4 के साथ लाइक 2.2 लीटर का एम हॉक मिलता है। एंड ये आपका 1500cc है, 700cc का फर्क आ जाता है गाड़ी के अंदर, आपके जो ट्रांसमिशन की ड्राइव है 4x4 वाली वो हट जाती है, तो थोड़ी सी गाड़ी आपकी हल्की भी हो जाती है, गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है आपका। एंड पावर देता है भाई 117, टॉर्क देता है 300 न्यूटन मीटर का, ठीक है। ये मोटी मोटी बात होगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बैटरी वगैरह वो सब चीज़ देख रहे हो, कूलेंट वगैरह आपके ये रहे। बंद करूँ तो ऐसे करके एक बार में होती है बंद, क्लैंप को लगाओ ऐसे करके, इंडिकेटर आपके बंद हो जाते हैं, ठीक है। सेफ्टी फीचर वाला जो चीज़ थी, यहाँ पे लगाओ क्लैंप एंड करके कर दो बंद, ठीक है। ये हो गई फ्रंट की मोटी मोटी पूरी बात, हैलोजन इंडिकेटर DRL वो दिखा दिया। थार की ब्रांडिंग इधर मिलती है, थार की ब्रांडिंग पहिए पे आपको लाइक यहाँ पे जो आपका एक कैप लगा हुआ है उस पर एक देखने को मिलती है, स्टेपनी भी सेम आती है इसके अंदर। टायर के सेक्शन की बात करता हूँ तो भाई सीन इज 2 कंपनी के टायर आपको थार में देखने को मिलते हैं, या तो आपको भाई सीएट देखने को मिलेगा या फिर भाई आपको MRF मिलता है। इसके अंदर आपका सीएट डल के आ रहा है, क्रॉस ड्राइव ऑल टेरेन टायर, सेक्शन इज 255/65R18 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिलता है। साइड में फुटस्टेप वगैरह सब चीज़ लग के आ रही है, एप्लीक्स लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर लग रही है भाई, खतरनाक लुक है।
सीट कवर वगैरह डल गए भाई मेरी थार में भी, मैंने यही वाले डलवाए थे, तकरीबन 8,500 रुपए के कवर हैं। यानी सही है, और का आपको लीवर नहीं मिलता है यहाँ पे। मैटिंग वगैरह हो रखी है पूरी, मैटिंग थोड़ी यार मुझे दमदार सी नहीं लगी, बाकी चीज तो ओके है। क्लब बॉक्स के अंदर इसकी किताब वगैरह बाद में रख दी जाएगी। GPS वगैरह नहीं मिलता, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें आपको भाई इसमें देखने को मिलती है। या तो भाई टायर में MRF मिलेगा या फिर आपको C8 देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल पे जैसे ही आते हो क्वार्टर पैनल पे पीछे की तरफ स्टिकरिंग यहाँ खत्म हुई है आपकी भाई। ये भी एक्सेसरी है, अलग से लगवाई गई है गाड़ी के ऊपर, डोर पर देखने को मिल जाती है ना, यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो चीज़ है ये अभी आना स्टार्ट हुई है भाई, मेरे ख्याल से आगरा की पहली गाड़ी होगी या फिर दूसरी होगी जिसके अंदर रियर व्हील ड्राइव, भाई मैंने तो अभी तक देखी नहीं थी, मैं पहली गाड़ी देख रहा हूँ उस पर रियर व्हील ड्राइव का ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अभी तक कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल खाली मिलती थी आपको, जो 4x2 थार होती थी आपकी। तो पॉइंट इज़ भाई सोलर कट ग्लास नहीं आता है रियर के लिए भाई, 2 डोर ही है, लाइक 2 डोर आगे पीछे आपको मिलता है, 5 डोर भी पता नहीं जल्दी आ जाएगी, हो सकता है 2024 में लॉन्च होगा 5 डोर थार का। एंड भाई उसके बाद आई थिंक रैंगलर की जो सेल्स हैं काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। पीछे की तरफ भी आपके एप्लीक्स लगे हुए हैं, ये जो पूरी आपकी है दिस इज़ ऑल्सो एक्सेसरी। एक बार गाड़ी का बूट ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या सीन है भाई, मैनुअल गाड़ी है, 1500cc का डीजल इंजन है इसके अंदर आपका। एंड ठीक है, मतलब टॉर्क तो सेम ही मिल रहा है ना आपको, 2200cc भी आपको 300 Nm का टॉर्क देती है, ये भी आपको 300 Nm का टॉर्क दे रही है। बूट के अंदर थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, मैटिंग वगैरह डली हुई है आपकी, सीट कवर महिंद्रा से ही डल गया इसके अंदर। डिफॉगर आपका ये पे आ रहा है, एंड डिफॉगर के लिए ये जो तार हैं आपके ये डिफॉगर के लिए है। ग्लास आपको बंद करना है तो भाई ऐसे करके सिंपल बंद कर दो, मैं आपका आत्माराम महिंद्रा पे आया हूँ, कोई भी गाड़ी आपको देख रही है यहाँ पे देखने आओ, एंड एक बार में बंद, ठीक है, सिंपल सा ऐसा है भाई। पीछे की तरफ 3 नट मिलते हैं, 1, 2 और 3, चाहो तो इसमें ताला लगा सकते हो। मैंने कल एक TUV देखी थी, TUV के अंदर ताला लग रहा था पीछे, तो वो चीज़ है। मोटी मोटी भाई बाहर से हमने पूरी बात कर ली, क्या चीज़ है, कैसे है, खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है। एंड क्या है ना, सफ़ेद कलर थार में खिल के आ रहा है। रोड पर अभी तक भाई मैंने इक्की दुक्की थार देखी है वाइट कलर में, जबकि ये तो भाई पूरी मॉडिफाइड टाइप कह लो, एक्सेसरीज से लदी हुई है पूरी गाड़ी। तो गाइस यार एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अब मैं एक बार अंदर से ट्रिम चेक करा दूं आपको। तो पॉइंट इज भाई थार की ब्रांडिंग देखो आपको भाई, फ्रंट में थार यहाँ लिखा दिख जाता है, टायर पे यहाँ पे लिखा दिख गया, थार की ब्रांडिंग इधर आ गई, एप्लिक्स पे आ गई, उसके बाद थार की ब्रांडिंग आपको इधर देखने को मिल जाती है, पीछे आते हो तो थार की ब्रांडिंग इधर देखने को मिलती है, टायर में यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब पूरा थार 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 पूरा भरा पड़ा है मतलब, ठीक है। ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ देखने मिलते हैं, ब्लैक फिनिश, सैटिन के टचेस, हार्ड प्लास्टिक पूरा हार्ड है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, थोड़ी बहुत फाइल वगैरह यहाँ पे रख लो, ओके हिसाब किताब है। अब भाई एक बार अंदर चलता हूँ गाड़ी के अंदर, चाबी मेरे पास है ही गाड़ी की, एंड चाबी लाइक सिंपल लगती है, ट्विन पीक्स का लोगो देखने मिलता है, एक चाबी आपको बटन वाली देखने को मिलेगी, एंड दूसरी चाबी जो अभी इसके साथ लाइक है नहीं अभी, उसके आपको बटन देखने को नहीं मिलते हैं, फ्लिप की आती है, सिंपल सा ऐसा है भाई। गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हो आपकी, चाबी को लगाओ, आइडल डालो, न्यूट्रल में है गाड़ी आपकी, एंड एक बार करो क्लस्टर आपका ऑन हो जाएगा, एंड दोबारा घुमाओगे गाड़ी आपकी भाई स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हो आपके DRL ऑन हो जाता है, एंड DRL आपका ऑन हो चुका है। यार बड़ी सुंदर लग रही है, मतलब ऐसा लगता है दूध सा बिखेर दिया हो किसी ने इसके ऊपर। आप जब बात करते हो बोलेरो वगैरह की, तो बोलेरो का थोड़ा सा लाइक पीलापन देखने को मिलता है, जो कलर है ना उसका पर्ल वाइट नहीं होता, बट दिस इज पर्ल वाइट, वो शायद से आपका मिल्की वाइट है, कुछ अलग थोड़ा सा अलग कलर है, बट ये बिल्कुल प्योर वाइट कहूँगा मैं इसको, सुंदर लग रहा है कलर। मेरी क्रेटा पे भी कुछ ऐसा ही कलर देखने मिलता है। तो ये मोटी मोटी पूरी बात होगी भाई। यहाँ की बात करूँ चाबी लगती है, इधर आपको टॉगल वगैरह करना है, हेडलाइट लेवलर वगैरह यहाँ पे देखने मिलता है। गाड़ी के एक बार भाई अंदर चढ़ता हूँ मैं, अंदर चढ़ना है आपको तो भाई आप यहाँ पे करके ऐसे बैठो, एंड चढ़ने में कोई दिक्कत फील होती है भाई, थार इज गुड। AC को थोड़ा धीरे कर देता हूँ एक बार, एंड फील इज फाइन भाई, मेरी थार वही है ना भाई, अंदर बैठे में तो कोई अंतर है नहीं। एंड सीट वगैरह हाइट एडजस्ट करनी है तो इससे नीचे कर लो, इससे ऊपर कर लो, एंड रिक्लाइन करना है तो ऐसे करके रिक्लाइन कर लो आगे पीछे, मतलब प्रॉपर काम करती है। स्टेयरिंग थोड़ा सा लाइट फील होता है मेरे को, लाइक 4x4 का, हाँ भाई थोड़ा सा हैवी है। ये गाड़ी सही लग रही है, 6 गियर, 1 रिवर्स देखने को मिलता है, लॉक अनलॉक लाइक यहीं से काम करता है आपका लॉक अनलॉक, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, इंडिकेटर वगैरह यहाँ से काम करने स्टार्ट कर देते हैं आपके, यानी ये 3 बटन काम नहीं करते। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एरा, USB एरा, ऑक्स एरा, थोड़ी बहुत रबराइज मैटिंग एरा, 6 गियर 1 रिवर्स। जैसे ही रिवर्स को इंगेज करते हो भाई, कैमरा अभी लगा नहीं है, बाद में लगेगा, लाइक कोडिंग वगैरह होती है तो कैमरा बाद में लग जाएगा इसके अंदर। तो भाई क्लस्टर वगैरह मैंने पूरा दिखाया आपको, रेड क्लस्टर मिलता है 7,000 तक RPM। एक बार RPM को अगर मैं आपको दिखाऊं भाई, तो 3,000 तक ही खिंचता है, इससे ऊपर लाइक 3,000 से ऊपर नहीं जाता, 3,000 पे लॉक्ड है। 4x4 ले लो चाहे 4x2 ले लो, 3,000 तक लॉक्ड रहता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अभी लाइक आइडल में खड़ी है ना, नहीं जाता। 180 की टॉप स्पीड है भाई,
तकरीबन 100-120 तक कॉन्फिडेंस रहता है भगाने में। अगर उसके ऊपर भगाते हो तो भाई उम्मीद मत करना गाड़ी के ब्रेक लगेंगे आपके। फ्रंट में आता है डिस्क, पीछे मिलते हैं ड्रम आपको इसके, ट्विन पीक्स का लोगो वगैरह, क्रूज कंट्रोल के भाई आपको बटन यहाँ देखने मिलते हैं, मीडिया कंट्रोल इधर आ जाते हैं आपके। अगर आपको टॉगल वगैरह करना है भाई तो यहाँ से आप टॉगल वगैरह पूरा कर सकते हो। डोर अभी खोला मैंने तो डोर खुलने की वार्निंग आ गई यहाँ पे आपकी। यार सही है, मतलब इसका थार का हिसाब किताब सही है। यहाँ पे देखते हो DEF लेवल वगैरह 8.2 का माइलेज दिखा रही है, DEF लेवल 100% है अभी, एंड डिस्टेंस टू MT ये दिखा दिया इसने एवरेज। अब यहाँ से इसको दबाते हो स्पीड, उसके बाद पहिया सेंटर में है कि नहीं है, ऐसे घुमा दूंगा 40 डिग्री घुमा दिया दोबारा सीधा कर दूंगा तो आपका भाई जीरो पे आ जाएगा दोबारा, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा लैग है, पहिया बड़ा बहुत है ना इसका, सेंसर देखो अभी 10% दिखा रहा है, आप सेंटर पे आ गया, ठीक है। दोबारा इसको दबाते हैं, बाकी चीज़ क्या मिलती है भाई, ये सेंटर वाला हो गया एंड और वार्निंग हिस्ट्री सेटिंग आ गई, ये सब चीज़ें, मतलब सिंपल थोड़ा सा हिसाब है। एटलीस्ट भाई वो डंडियाँ नहीं दे रखी, जो डंडी उसे दबा के चेक करो आपको पूरे बटन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आइडल इग्निशन स्टार्ट ऑफ का बटन दे रहा, स्पीकर एक यहाँ पर है, एक स्पीकर वहाँ पर है, दो स्पीकर ऊपर, दो ट्विटर ऊपर, टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, मतलब 6 का सेट देखने को मिलता है। यहाँ की बात करूँ होम पे जाते हो इससे आप पूरे स्टैटिक्स एडवेंचर वगैरह देख लो। कार इन्फो में जाओगे तो कार इन्फो खोलो इसका, एंड नीचे की तरफ फ्यूल इन्फो, माइलेज अभी 8 का दिखा रही है 4x2, बिकॉज भाई ब्रांड न्यू गाड़ी है। आई थिंक भाई माइलेज अगर हाईवे पे लेके निकलोगे तो करीब करीब भाई आपको 18 तक का 18.5 तक का माइलेज इजीली दे देगी ये। DRL वगैरह सारी चीज़ इको सेंस में कितना स्कोर है लाइक चलाने के ऊपर होता है वो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा देती है, ठीक है। मोटी मोटी हमने पूरी बात कर ली, ब्लूटूथ है, एंड्रॉइड ऑटो है, सब चीज़ प्रॉपर काम करती है। 2 AC के वेंटेयर है, मैनुअल AC मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हिल डिसेंट, लॉक अनलॉक, वो सब चीज़, 6 गियर, 1 रिवर्स, 4x4 का लीवर नहीं मिलता, पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं आते हैं। बिकॉज आप चाहो तो अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो आप गाड़ी का पल्ले को उतार दो, हिंजेस से खोल लो, पल्ला घर पे रख दो अपने दोनों उतार के, एक कपलर निकालना पड़ेगा जिससे कि इसका कनेक्शन निकल जाए आपका, क्योंकि सिर्फ ORVM का कंट्रोल मिलता है आपको, घर पे पल्ले को रख दो। एंड पावर विंडो की फिर कोई नीड ही नहीं है भाई, डोर आपके उतर जाएंगे गाड़ी से, तो इसलिए ना तो स्पीकर देते हैं यहाँ पे जिससे कि पानी में से निकालो स्पीकर खराब हो, तो सीन क्या है स्पीकर ऊपर है एंड एक स्पीकर आपके लिए यहाँ पे लगे हुए, ठीक है। आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलता है, पीछे जाना है तो ये सीट आपकी फोल्ड होती है भाई ऐसे करके, लाइक ऐसे मैं फोल्ड कर दिखा दूं आपको, यहाँ से खींचते हैं इसको एंड ऐसे करके आगे हो जाएगी, इससे करके आप आगे खिसका दो, उधर से बंदा चढ़ेगा पीछे चला जाएगा, सिंपल सा हिसाब किताब है। हार्ड टॉप गाड़ी है, गर्मी के अंदर काफी ज्यादा तप जाता है भाई और सिर के ऊपर आपके हीट आती है, इससे दोबारा लॉक करनी है तो ऐसे करके भाई ऐसे करके लॉक कर दो, एक बार में लॉक हो जाती है। 4x4 के अंदर और इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क कहाँ पर है, इंजन आपका 700 cc छोटा हो जाता है, 13 BHP की जो पावर है वो कम हो जाती है, उसमें आपको 130 मिलती है, इसमें आपको 117 मिलती है। टॉर्क इसका भी 300 है, टॉर्क उसमें भी 300 है, बाकी चीज यहाँ पे आपको जो लीवर है वो चला गया है। हैंड ब्रेक पे क्रोम की टिप मिलती है देखने के अंदर, यही है भाई इसके अंदर, और ज्यादा कोई चेंज नहीं है। गाड़ी को लेके भाई इग्निशन को करते हैं बंद, चाबी मैंने निकाल ली एंड चाबी को लाइक फोल्ड करो। अब एक बार रियर से और मैं आपको एक बार दिखा दूं क्या सीन है, तो ये जो आपका बैज है भाई ये चेंज होके आ रहा है एंड अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं प्रोफाइल की बात करो तो 4x2 या रियर व्हील ड्राइव की जो एक ब्रांडिंग मिल रही है ना, कमाल लग रही है, मतलब मुझे फील सही हो रहा है। मुझे नहीं पता लोग इसको निकलवा देंगे नहीं निकलवाएंगे, अगर मैं 4x2 थार लूँगा तो मतलब मुझे सही लग रहा है देखने के अंदर, खाली से तो अच्छा ही लग रहा है ना वो चीज़ है। तो भाई ये गाड़ी का पूरा रिव्यू था मेरी तरफ से, आपको कैसी लगती है थार 4x2, आपको लेनी हो आत्मारा महिंद्रा को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गाड़ी आप देखो चलाओ ड्राइव करो जो करना करो भाई एंड अपनी डील को क्रैक करो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।